मुगल सराय देख पा रहे हो, ये पूरा भाई आप क्या हो, ये देखो। सो गाइस इतना मेहनत से चल के आ गए हम। तो गाइस ये रही चाय और ये रही हमारी सब्जी बन रही है। तो ये हिरपुर की मार्केट देख पा रहे हो और ये रही हमारी गाड़ी। गाते सामान ली थी, सामान ये सेव लिया था हमने वहाँ से शोपियान से। चलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग गाइस। तो व्लॉग की शुरुआत करें सीधा ही बाहर आके भैया रोड से। तो फिलहाल गाड़ी में थोड़ा उसको दस रखा सामान, आप भी फिलहाल जा रहे हैं रोटी लेने के लिए। कश्मीर आ भी है, कश्मीरी रोटी तो लेंगे हम, तो रोटियां से लेते हैं और फिर ब्रेकफास्ट में चाय रेडी हो रही है तो ब्रेकफास्ट करेंगे उसको। गाइस फिलहाल गए थे रोटी लेने, बट वहाँ पे एक सीन हो गया। सीन ये हो भैया अभी सुबह से बन रहे हैं लवासे, और हमारी टीम जो है ना पूरी मेंबर्स हुए उनसे लवासे बहुत कम लोग पसंद करते हैं। हम लोग तो करते हैं बट वो नहीं करते हैं, तो कम खाते हैं। तो फिलहाल अब जा रहे हैं यहाँ से, कुछ और सामान ले लेंगे, कुलचे ले लेंगे। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय से रेडी हो रही रूम में, उसके बाद निकलेंगे हम यहाँ से पीरगी गली। उसके बाद जो भी सीन से बताएंगे, रुकेंगे पीर गली या निकलेंगे वापस देखते हैं। तो फिर चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ी सी हीरपुर की मार्केट भैया। ये हमारी दो गाड़ी और साथ में भैया जी होटल लिया था, बड़ा ही बढ़िया ज़बरदस्त होटल है। ये हीरपुर की मार्केट थोड़ी सी है, बैठ लगे इनफ है, बहुत बढ़िया। ये बढ़िया के बस भैया सामान है, बहुत बढ़िया। ये हैंडीक्राफ्ट सामान है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं हम कहीं गिरदे वगैरह मिल जाते हैं तो, या कुलचे मिल जाए तो कुलचे ले लेंगे, गिरदे ले लेंगे। बेकरी शॉप तो बंद हो गई है, रात को मिलगी था। एक वो उधर ही है। तो गाइस फिलहाल हम गिरदे लेने भैया कहाँ से आए, वो वहाँ से भी है लगभग मतलब 1 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे आ गया पीछे गिरदे भी लेनी, यहाँ से गिरदे लेने। आप मौसम आज बहुत ही ख़राब है, शायद बारिश आएगी तो हम फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे और फटाफट ही निकल आएंगे ताकि बारिश हमें तंग ना करें रास्ते में कहीं। सो गाइस इतना मेहनत से चल के आ गए हम, लेकिन गिरदे फानी हमें ले लिया भैया। तो चलिए फिर चलते हैं, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। ऑलरेडी रात का रूम था ये, साथ में किचन और साथ में ये वाला रूम। सो गाइस फिलहाल ये तुम्हारा कुछ रात का रूम, बाहर तक किचन बढ़िया किस्म का रूम था, फिर बिस्तर वगैरह उठा लिया हमने। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, सब कुछ पैक वगैरह कर दिए, बैग पैक कर दिए, सब कुछ पैक कर दिए, रूम हो चुका खाली, बंदे निकल चुके बाहर। हम भी निकलते हैं बाहर फटाफट और करते हैं आज के सफर का आगाज़। भैया टावल है गीला, इसको आड़ी में रखेंगे, इसको इना रखते हैं। तो फिलहाल करते हैं आज के सफर का आगाज़ और निकलते हैं पीर की गली, और उसके बाद वहाँ रुकेंगे, खाना बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोई पता नहीं भैया, अनप्लान है पूरा भैया हमारा। चलो फिलहाल निकलते हैं फटाफट यहाँ से, और आज काफ़ी दिन के बाद 6 दिन के बाद वापस घर जा रहे हैं। चलिए सो गाइस फिर आज की गाड़ी में और निकल रहे हैं फिर यहाँ से हम, टाइम हो चुका 8:37। चलिए फिर बिस्मिल्लाह तवक्कलतुलिल्लाह हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलिए गाइस वापस पहुँच चुके हैं जी दोपचन ब्रिज, देख पा रहे हो क्या ज़बरदस्त लग रहा है भैया, हर बार की तरह क्या ही प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा। ये दरिया साथ में ये डाड़ा पड़ो 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 पड़ो, तू जा रे तू जा रे, तो क्या ड्राइवर नहीं करे पुड़ करने लगा था पीछे, ये जोरी गई है काले भाई और सभी जोरी गई है। लेकिन तो आएगा ट्रक वाले को बिहार नहीं मारते, लेकिन छोटी गाड़ी वाले बस पुड़ पुड़ो बस कान खा के रहते हैं। साथ में दरिया नीचे और फिलहाल जा रहे अब पूरी हाइट ही, अब ये मोड़ ही निकाल रहे हैं। आज हम दिखाएंगे आपको मुगल सराय भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे नीचे जाने की, अगर हमें डर ना लगा कुत्ते पीछे ना पड़े, तो अगर कुत्ते पीछे पड़ गए फिर कहाँ जाएंगे भैया। और नीचे दुबजन का दरिया है, ठंडा ठंडा पानी, क्या बात है, दिखेगा आपको नहीं दिखेगा, चलो मैं देख रहा हूँ आप मेरी बात पर यकीन कर लो। क्या ज़बरदस्त है यार, क्या ही ज़बरदस्त है, मतलब खूबसूरती भैया, कैमरे तो मिलेंगे नहीं आपको। इस फिलहाल पहुँचे हैं मुगल सराय के पास, तो फिलहाल मैंने लगा ये टी शर्ट, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जगह लगा तो फिर बाहर निकलता हूँ मैं वीडियो शूट करने के बाद। इतनी गंदी हवा चल रही है ना, ओहो क्या बताएं,
क्या बात है, लेकिन व्यू एक नंबर भैया, मोगल रोड का मुकाबला कोई नहीं भैया। जब भी आओ ना आप, कभी आप निराश नहीं होंगे, ज़बरदस्त व्यू आपका जी। मुगल सराय देख पा रहे हो, ये पूरा पूरा मुगल सराय है। मुगल जब बादशाह यहाँ से गुजरते थे ना इस रास्ते से, तो यहाँ पे स्टे करते थे। ये पूरा यहाँ पे रूम बना हुआ है पूरा, ये अंदर रूम। यहाँ पे नीचे कभी गया नहीं मैं, जाना काफ़ी नीचे दूर है ना, टॉप से नहीं जाना पड़ता यहाँ पे। मौसम क्लियर हुआ तो शायद मैं जाने को पूरी कोशिश करूँगा, फिर अंदर से पूरा आपको व्यू दिखाऊँगा। बट फिलहाल अभी के लिए टॉप से देख लो आप मुगल सराय, लेकिन कितना प्यारा भैया यहाँ से दिख रहा। देखो पूरा जैसे अलग अलग रूम है बने हुए, क्या ज़बरदस्त भैया, एकदम ज़बरदस्त। ये एक नाइट में ही बनाते होंगे क्योंकि इतनी में फौज थी, एक नाइट में बना के फारिग। और फिर ये आ गया व्यू, क्या ज़बरदस्त भैया। चलिए फिर चलते हैं यहाँ से हम। सो गाइस फिलहाल जैकेट हमने लगा ली, ठंड है यहाँ पे, पीछे मस्त फोटो शूट चल रहा है। तो क्या नज़ारा रोड का भैया, क्या ज़बरदस्त व्यू है इस रोड का। तो फिर जैकेट भैया सर्दी आ गई है, रुकेंगे फिर गली, तो जैकेट एडवांस में लगा लेते हैं भैया, कि हवा लगी बीमार हो जाएंगे, तो बेहतर है कि जाकर लगा लेते हैं। चलिए फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। चलो एक सामने का व्यू ये देखो भैया, लालग्राम का ब्रिज, मोगल रोड प्रोजेक्ट, और पीछे देखो पूरे पहाड़ी पहाड़ भैया, पूरा पहाड़ी एरिया। और बीच में तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बीच में छोटे छोटे पत्थर भी हैं, और बीच में बिल्कुल मिट्टी है। सुभान अल्लाह, क्या शान है मालिक की, कैसे कैसे सिस्टम बनाया हुआ है। चलिए फिलहाल टिप 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 गाड़ी की हो रही है, इंडिकेटर लगाए हुए हैं चार के चार। मौसम ख़राब, क्या आप रुकें या चले। इस फिलहाल पहुँच गए पीर की गली से थोड़ा पीछे, यहाँ एक्चुअली हम जहाँ जाते वक्त रुके थे, हमारी खाला का घर है यहाँ पे। तो फिर सर ड्रेस कर रहे चेंज, मैंने तो पहले सिर्फ जैकेट लगा दिया था। फाइनली गाइस पहुँच के घर लगा दी गई, यहाँ एक यहाँ पे। चलो फिलहाल चलते हैं गाना। सो गाइस फिलहाल ये है जिसको बोलते हैं टारा, यहाँ बनाएंगे खाना शाना। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी लगाई भैया, क्या ज़बरदस्त जगह है यहाँ पे, यहाँ की सब्ज़ी लगाई पूरी। सुनो ये सब्ज़ी लगाई हुई है। तो गाइस आज मेरा खाना यहाँ बनेगा, यहाँ बनाएंगे खाना आज। तो फिर ये पूरे के पूरे पत्थर के बने हुए, फिर साथ में किचन भी है, किचन दिखाएंगे बाद में, पहले अपना खाना रेडी करते हैं फिर उनके किचन दिखाएंगे जाके। तो गाइस ये रही चाय और ये खाना बन रहा है, और बाहर का व्यू क्या, लकड़ियाँ आग जलाने के लिए। गाइस फिलहाल खाना शाना खा लिया हमने, फिर जनता निकल चुकी है बाहर, और फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। टाइम हो चुका ऑलमोस्ट 12 भी, 1 बज गया अभी। तो चलिए फिर निकलते हैं ऐसे फटाफट, आगे लेट ना हो जाए, 1 बज चुका है यहीं पे, 3-4 बजे घर पहुँच जाएंगे। चलिए फिर करते हैं सफ़र का आगाज़। गाइस फिलहाल यहाँ पर हमारा स्वागत किया भाई शॉल के साथ, स्वागत नहीं किया भैया, विदाई की है कि जाओ दाओ यहाँ से, इतना खर्चा हमारा करा दिया, निकलो। तो फिलहाल चलिए ऐसे निकल रहे, मजाक करें भैया, शॉल से रख डाल दिया मैंने। चलिए फिलहाल निकलते हैं यहाँ से फटाफट, अब आगे सीधा घर को, क्या ज़बरदस्त ग्रीनरी। सो फाइनली गाइस वो यू आर रीच एट पीर की गली, दरगाह स्टेशन, पीर मार्ग। तो यह है पीर मार्ग और आगे है पीर की दरगाह, इसको बोलते हैं पीर की गली। यहाँ चलते हैं अंदर, गाड़ी पार्किंग करते हैं सामने। देखो आज मौसम थोड़ा क्लियर नहीं है ना, उतना क्लियर नहीं मिल रहा था, लेकिन क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो चलिए पार्किंग लगाते हैं गाड़ी नीचे, और फिर निकलेंगे यहाँ से हम खा पी के, कुछ ना कुछ कुछ खाना हुआ तो नहीं, तो यहाँ से निकलेंगे। सो गाड़ी से पहुँचे पार्किंग, लेकिन क्या फॉग आ चुकी है, ज़बरदस्त फॉग आ चुकी है। लड़कियाँ अपनी स्टॉल लगे चलती हैं, इतना ठंडा भैया यहाँ पर, मैं तो जैकेट उतारा भी नहीं, देखो जैकेट लगा हुआ है। टाइम हो चुका है 1:37। चलो